समाचार क्यारी से संजय जी पहुंच गए हैं। हाँ, संजय जी का विधाला के प्रांगण में पहुंचने पर तय दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। थैंक यू सर, वेरी थैंक्स। देखिएगा समाचार क्यारी ने प्रदेश के अंदर तहलका मचा रखा है। ये एक बहुत ही फेमस संपादक है अपने इलाके के, प्रदेश के, जहां भी सुनाई देता है समाचार क्यारी ही सुनाई देता है, संजय जी का नाम ही सुनाई देता है। हम संपादक जी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम अभी समाचार क्यारी से संजय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। इस जिला पार्षद श्री कृष्ण ठेकेदार जी और सरपंच सुनील जी यदप को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। इनको फूलमालाओं के द्वारा सम्मानित किया जाए। जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स। समाचार क्यारी से संजय शर्मा जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। मैं संजय जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए। जी सर, हमारे जिला पार्षद श्री कृष्ण ठेकेदार जी द्वारा सम्मानित किया। संपादक महोदय संजय जी से अनुरोध करते हैं कि मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। संपादक जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। जी सर महोदय जी। बहने, काकी, ताई, जितनी भी यहाँ बैठी हुई हैं, एक बार मेरी तरफ ध्यान दें, दो ही मिनट में बोलूंगा। आदर व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और इस भारत देश के भविष्य प्यारे छात्र छात्राओं, समाचार क्यारी परिवार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस मंच पर मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं और आपको संबोधित कर रहा हूं। रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसा नाम जिसने ना केवल हरियाणा प्रदेश अपितु साथ लगते दिल्ली और राजस्थान की सीमाओं तक आपके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा तमाम उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रिलायंस डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ खेलों के लिए, और अभी मैं एक प्रस्तुति देख रहा था, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने देशभक्ति का यह गाना प्रस्तुत किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे भाई सुखबीर जाखड़ जी, जो इतनी मेहनत से, इतनी तन्मयता से इस ग्रामीण क्षेत्र में आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात प्रयासरत है और उसकी वानगी मंच पर लगाई है। आपको बैनर नजर आएगा जिसमें लिखा है 2018-19 में समस्त हरियाणा प्रदेश में सातवें स्थान पर रहने वाला यह रिलायंस डेवलपमेंट स्कूल। एक बार जोरदार तालियां जिसने आपके इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान किए हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। अनेकों मेडल आपके ये छात्र छात्राएं इनके मार्गदर्शन में लेकर के आए हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि शिक्षा एक ऐसी ज्योति है जो आपके जीवन के सब अंधकार दूर कर देती है। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाएं। साथ साथ मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा सुखबीर जाखड़ जी को, तमाम शिक्षकों को और उनके तमाम स्टाफ को कि वो इतनी सुंदरता से यह कार्य कर रहे हैं कि हमारे गांव के ये छोटे छोटे गांव के बच्चे प्रदेश स्तर पर पहुंचते हैं, मेडल लेकर के आते हैं और खेलों में अपना लोहा मनवाते हैं। यहां मौजूद तमाम जो मातृशक्ति और अभिभावक गण आए हैं उनसे भी मैं एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है, आज कंपटीशन का दौर है। हम सब माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा
आगे बढ़े और एक दिन अपने माँ बाप का, अपने गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो मैं सबसे दरखास्त करूंगा कि जिस तरह से भाई सुखबीर जाखड़ जी ने ये एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और इसकी शाखाएं आज राजस्थान और हरियाणा प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में फैल चुकी हैं। मैं भाई सुखबीर जाखड़ जी और तमाम जो मेरे सम्मानित सदस्य, जो आदरणीय पूर्व सरपंच साहब, जिला पार्षद साहब, नंबरदार साहब, तमाम जितने भी गांवों से आसपास से गणमान्य जन बुजुर्ग आए हैं, मैं उनसे सबसे कहना चाहूंगा अपने बच्चों को शिक्षा तो बेहतर दिलवाए ही दिलवाए, लेकिन आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है संस्कार। ये जो मेरी मातृशक्ति यहां बैठी है वो अपने पुत्र और पुत्रियों को ये सिखाए कि हमने एक ऐसे भारत देश में जन्म लिया है जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान योद्धाएं हुई हैं, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर, अपने बच्चों को ये शिक्षाएं दें। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत नैतिक शिक्षा की और संस्कारों की है। घर से जब हमारा बेटा और बेटी बाहर निकलते हैं तो हम उन्हें ये समझाएं कि समाज में एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहें, परस्पर एकता और भाईचारे के साथ रहें। ये संस्कार आने वाली पीढ़ियों को देने की बहुत आवश्यकता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना और मुझे अवसर दिया। भाई सुखबीर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि इन्होंने शिक्षा की जो ये ज्योति इस ग्रामीण क्षेत्र में जलाई है, इसका प्रकाश एक दिन आसमान में उस सितारे की तरह चमके और ना केवल झज्जर और हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान में, बल्कि मैं कहूंगा कि समस्त देश में इस विद्यालय से निकलने वाले छात्र छात्राएं स्कूल का नाम रोशन करें। मैं भी महसूस करता हूं, बच्चों को मैं कम समय दे पाता हूं अपनी पत्रकारिता की वजह से, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं रात का खाना अपनी बेटी के साथ खाऊं। वो अभी 8 साल की है। तो मैं चाहूंगा आज जिस तरह से यहां मैं माहौल देख रहा हूं, जो आज स्कूलों में एक दौर सा चल पड़ा है, सुबह उठती हैं माताएं बहनें अपने बच्चों को तैयार करती हैं, जल्दी से उनका टिफिन पैक करती हैं, फिर जल्दी से उनको तैयार करके और बस तक भेज के और टाटा बाय बाय करके वो वापस आ जाती हैं। फिर बच्चा जब स्कूल से घर जाता है तो वो पूछती है, हाँ बेटा क्या रहा, टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या किया, किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, झगड़ा तो नहीं हुआ, खाना खाया क्यों नहीं खाया, पढ़ाई में इतने नंबर कम कैसे आए, टीचर ने शिकायत क्यों की, पढ़ाकर पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। अक्सर ये सभी सवाल कॉमन जो 90% माँ बाप हैं, खासतौर से माताएं, क्योंकि जो पुरुष हैं वो तो काम और नौकरी के सिलसिले में अक्सर भारी होते हैं, ये कुछ सवाल हैं हमारे प्रत्येक माँ बाप के जो कॉमन सवाल हैं। मैं चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से, और भाई सुखबीर सिंह जी जाखड़ हमारे भाई जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस स्कूल के माध्यम से जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल और खेल के माध्यम से, मैं चाहूंगा एक सवाल मेरी माताएं इसमें और जोड़ें। जब भी हमारा बच्चा स्कूल से घर आए तो उसे एक सवाल जरूर पूछें कि बेटा आज आपने, या बेटी आज आपने अपना लंच किन किन दोस्तों के साथ खाया, क्या आपने अपना दोपहर का खाना अपनी सहपाठी के साथ या अपने बेटे से पूछो अपने दोस्त के साथ शेयर किया, ये सवाल पूछो। ये सवाल मैं आपसे पूछने के लिए क्यों कह रहा हूं, जब तक हम अपने बच्चों को किसी की मदद करना नहीं सिखाएंगे, किसी का साथ देना नहीं सिखाएंगे, किसी का भला करने की भावना उसके दिल में नहीं डालेंगे, तो वो आगे चल करके जो हमारे परिवार आज संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार हो गए हैं, आज काका ताऊ दादा दादी मामा मामी की महत्वता, संयुक्त परिवार की एकता और प्यार को जो हमारे बच्चे भूल चुके हैं, हम बचपन से उनमें एक चीज डालें कि बेटा जितना हो सके, बेटी जितनी हो सके, एक दूसरे की मदद करो, अपने सहपाठी की मदद करो, अपने दोस्त की मदद करो। बचपन से ये संस्कार यदि अपने बेटा और बेटी में कोई डाल सकता है तो वो माँ है। माँ हमारी प्रथम शिक्षक होती है, माँ ही प्रथम गुरु होती है। तो मेरी ये प्रार्थना
कि अपने बेटे और बेटी के दिल में करुणा, प्यार और प्रेम के भाव उत्पन्न करें, ताकि समाज में बढ़ती हुई खाइयों को पाटा जा सके और हमारे बेटा और बेटी आगे चलकर के प्यार का एक मूर्त रूप बने और वो एक दूसरे की मदद करने का, सहयोग करने की भावना उनके दिल में पले, तभी यह भारत देश मजबूत हो सकता है, हमारा समाज मजबूत हो सकता है। और ये जो बिखरते और टूटते रिश्ते हैं, आज आपने देखा होगा, आज जो रिश्तों की गरिमा और रिश्तों और परिवारों का जो टूटने का क्रम जारी है, जो प्यार और संवेदना एक दूसरे के प्रति घर परिवारों में कम और कम होती जा रही है, उसका एक ही कारण है कि माताएं अपने बेटों को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कहानियां सुनाने की बजाय मोबाइल दे देती हैं कि बेटा थोड़ी देर गेम खेल ले, मैं रसोई में खाना बना आती हूं। बचो इस चीज से, मोबाइल से बचो, टीवी से बचो। मैं अपनी बातें बताता हूं, मेरी दादी, जब भी मैं आता था तो मैं कहता था दादी कोई कहानी सुना दो, तो वो मुझे कहानी सुनाती थी, वो रामचंद्र की कहानी सुनाती थी, कृष्ण भगवान की कहानी सुनाती थी, वो शहीद भगत सिंह के किस्से सुनाती थी, सुभाष चंद्र बोस के किस्से सुनाती थी। और आज गजबन पानी न चली, हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए, हम अपने समय को बचाने के लिए अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल दे देते हैं और वो यूट्यूब पे एक सर्च करके गाने देखते हैं। मत कीजिए ऐसा, एक उम्र ऐसी आएगी, एक दौर ऐसा आएगा जब वो स्वयं मोबाइल चलाने के लायक होगा, वो स्वयं मोबाइल से वो चीजें प्राप्त कर सकेगा जिसकी उसको जरूरत है। तो मेरी कि अपने बच्चों को समय दें, उनके दोस्त बने, खास तौर से अपनी बेटियों को, जो भी हमारी बहनें आठवीं नौवीं दसवीं में हैं, उनको समय दें, उनकी दोस्त बने, उनसे पूछें, टीवी और मोबाइल से दूर रहें, कुछ समय अपनी बेटियों को अवश्य दें, उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को जानें और कुछ कीमती समय उनको अवश्य दें, ताकि वो घर से बाहर अपना दोस्त ना ढूंढे, घर से बाहर एक सहानुभूति देने वाला शख्स ना ढूंढे, वो अपने घर में, अपने परिवार में ही अपना सब कुछ माने, सब कुछ समझे। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना, खासतौर से माताओं बहनों से, अपने बच्चों में संस्कार दे, उनको समय दे, अपनी सुविधा के लिए उनके हाथ में समय से पहले मोबाइल ना दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय सुखबीर जाखड़ जी, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से आप इन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को देखिए। मैं अक्सर स्कूलों में जाता हूं, इतनी बड़ी संख्या में मुझे माताएं, बहनें और अभिभावक नजर कम आते हैं। बड़ा अच्छा अवसर है कि तमाम हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक भी यहां पर बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूं कि जो पौधा इन्होंने लगाया है वो एक दिन वट वृक्ष का धारण करे और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिले, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु यहां प्रयास किए जाएं, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन लोहा मनाए। आपके पड़ोस के गांव में खुडन से बजरंग पहलवान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। मैं बधाई दूंगा भाई सुखबीर सिंह जाखड़ जी को, जिन्होंने लगातार यहां खेलों के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में इस रिलायंस डेवलपमेंट शिक्षण संस्थान को एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान बताया है। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।